गाइस, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में एक सुपर रोबोट की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। इसके अंदर लगा है इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम, यहाँ पर आप देख भी सकते हो इसके अंदर बहुत सारे वेपन्स भी लगाए गए। इसकी फाइट आज मैं कराने वाला हूँ ये रोबोट के साथ। ये है एक बाहुबली रोबोट, ये एक रेड डेविल रोबोट। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। अगर आप ये कमाल के रोबोट को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर व्यू प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही जाओगे इसका प्राइस आपको पता चल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका बाय लिंक दे रखा है अमेज़न का, वहां से जाकर आप चाहे तो सुपर रोबोट को खरीद सकते हो। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ गाइस ये रोबोट किसकी तरह दिखाई दे रहा है। मेरे को तो गाइस ऑप्टिमस प्राइम के जैसा दिखाई दे रहा है। यहां से भी हमारे सुपर ऑप्टिमस रोबोट को मैं निकाल लेता हूं। बहुत ज्यादा भारी भरकम रोबोट है और ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर। इसके साथ कोई भी रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलती है। पर है इसके कुछ हथियार, ये एक इंफ्रारेड गन है और भाई साहब ऑप्टिमस प्राइम की स्वॉर्ड देखो यार, क्या ही तलवार दे रखी है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब इसके ये दोनों वेपन जो है हम लोगों को इसके हाथ में पकड़ाना है। देखो गाइस कितना ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रहा है सुपर ऑप्टिमस रोबोट। एक और गजब की चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो गाइस ये जो इसका बॉडी का पार्ट है ये इस तरह से ओपन हो जाता है। जैसे हम रिमोट के अंदर एक बटन दबाते हैं यहाँ से रॉकेट्स वगैरह फायर करने लगता है और इस तरफ देखो 5 रॉकेट्स लगा रखे। बीच में यहाँ पर बटन जैसा कुछ है पर ये बटन है नहीं गाइस, यहाँ पर फ्लेम जैसा डिजाइन दे रखा है। इसके जो शोल्डर वाले स्कफ्स है इसको भी हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके हैंड पूरी तरीके से मूवेबल है। नीचे की तरफ देखो गाइस व्हील्स लगा रखे हैं, 3 व्हील्स इस तरफ 3 व्हील्स इस तरफ मिल जाते हैं और यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट भी है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बैटरीज डाल रखी है, टोटल 6 बैटरीज डालनी पड़ती है। पीछे से भी ये बहुत ज्यादा मस्कुलर नजर आता है और इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। ये पूरी तरीके से IR सेंसर वाला रिमोट है, ऊपर की तरफ IR सेंसर आपको दिख रहा होगा, पीछे की तरफ 2 AA बैटरीज डालनी पड़ती है। ये है RS पुलिस रोबोट, इसकी प्रोग्रामिंग मैंने पहले ही करके रखी हुई और इस रोबोट के अंदर भी बहुत सारे हथियार लगाने के ऑप्शंस हम लोगों को मिल जाएंगे। फिर अनबॉक्स कर लेते हैं यहां से। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। निकाल लेते हैं हमारे RS पुलिस रोबोट को। ये इस तरह की पैकिंग में आ जाता है और इसके लेग्स के नीचे भी पैकिंग दे रखी है इन लोगों ने और रिमोट भी बहुत अच्छी तरीके से पैक करके रखा हुआ है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं इसके रिमोट के अंदर, रॉकेट वगैरह लॉन्च करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाती है इसके अंदर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये रोबोट की क्वालिटी गाइस। ये कलर देखो गाइस, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ये रोबोट बहुत ही ज्यादा ऑसम दिखाई देता है। इसके भी ये जो हैंड्स है ना बहुत ज्यादा मस्कुलर है, देखो यहाँ से आकर यहाँ पर कितने ज्यादा मोटे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके की गन लगी हुई है इसके अंदर और यहाँ से ये शूट भी कर सकता है। इसके भी जो हाथ है अच्छी तरीके से मूवेबल है और ये पूरी तरीके से वायर से जॉइंट भी है। यहाँ से इसकी जो मोटर है इसको पावर ये वायर से ही मिल जाता है। पीछे की तरफ यहाँ पर इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, इसकी बैटरी हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। इसके साथ रिचार्जेबल बैटरी भी आ जाती है, यहीं से हम इसको चार्ज करके बार बार यूज भी कर सकते हैं। ये इसके लेग्स पीछे की तरफ से इस तरह के दिखाई देते हैं। नीचे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 2 व्हील्स और इस तरफ 2 व्हील्स मिल जाते हैं। इसके आईज के अंदर बहुत सारी LED लाइट्स भी आ जाती है। ओवरऑल इसकी भी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ज्यादा ऑसम है। दोनों रोबोट्स को मैंने अभी साइड बाय साइड रख दिया है, दोनों की लेंथ दोनों की विड्थ देख सकते हो सेम दे रखी है और दोनों के वेट में भी कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों का वेट उतना ही मेरे को लग रहा है। अगर लुक्स की बात करूं तो नो डाउट ये जो ऑप्टिमस प्राइम वाला रोबोट है ना गाइस इससे बहुत ज्यादा मस्त दिखाई देता है। इसके इस वाले हाथ में भी एक और हथियार होता तो गाइस मजा ही आ जाता। चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं दोनों में से आज कौन सा रोबोट जीता है। लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले ऑप्टिमस प्राइम रोबोट को टेस्ट करते हैं। ये बटन प्रेस करते हैं, इसके रॉकेट्स इस तरह से बाहर की तरफ निकल आ जाते हैं और जैसे एक और बार बटन दबाते हैं रॉकेट्स अंदर की तरफ भी चले जाते हैं। फटाफट से इसको फायर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉन्च का बटन मैंने प्रेस कर दिया है। ओ भाई साहब क्या ही गजब की स्पीड है यार इसके अंदर। देखो एक साथ ये दो दो रॉकेट्स को फायर कर सकता है और इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत ही ज्यादा कमाल की है। यहाँ पर डायरेक्ट मेरे कैमरा के लेंस के ऊपर मैं शूट करके आपको दिखा रहा हूँ। अब इसकी कंट्रोलिंग भी टेस्ट करके देख लेते हैं। पहले इसको मैं बैक स्टेप चला के देख लेता हूं। ओ यार बहुत ही मस्त तरीके से ये एक एक स्टेप करके पीछे की तरफ जा रहा था। अभी फ्रंट स्टेप्स डाल के देखते हैं। फ्रंट स्टेप्स में भी देखो बिल्कुल एक इंसान की जैसा ये चल रहा है। अभी डांस का बटन मैंने जैसे ही प्रेस किया है ये जबरदस्त तरीके से डांस वगैरह भी करने लग रहा है, अलग अलग तरीके के मूव करने लगता है।
अभी टेस्ट करते हैं अपना एकदम तगड़ा वाला बाहुबली रोबोट को। इसकी कंट्रोलिंग देखो यार, बहुत ही ज्यादा गजब की है। इसका एक एक हैंड हम लोग रिमोट से मूव करा सकते हैं। ये ऑप्शन जो है हम लोगों को ऑप्टिमस रोबोट के अंदर देखने को नहीं मिलता। आप इंडिविजुअली लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर अभी इसका फायर का बटन दबा के देख लेते हैं क्या करता है। पहले तो ये इस तरह से घूम जाता है, फिर निशाना लगाता है और इस तरह से शूट करने लगता है। इसका जो कैनन है इसके अंदर मेरे को उतना ज्यादा दम नहीं लग रहा है गाइस। देख सकते हो जब ये फायर कर रहा है तो इसके रॉकेट जो है ज्यादा दूर तक नहीं जा रहे हैं, बहुत पास में ही आकर गिर रहे हैं, पर ठीक ठाक इसकी एक्यूरेसी मेरे को लग रही है। अभी इस रोबोट की कंट्रोलिंग भी टेस्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से स्लाइड तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप चला के देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप भी काफी अच्छी तरीके से चल रहा है, पर अपना जो ऑप्टिमस प्राइम जिस तरह से चल रहा था ये उस तरह से नहीं चल पा रहा है। मेरे पास ये रेड डेविल रोबोट भी है, इसकी भी टेस्टिंग करके देख लेते हैं इसका कैनन कितना ज्यादा पावरफुल है। शूट का बटन मैंने दबा दिया है, बीच में देखो यार यहाँ पर इसका कैनन दे रखा है। ओ यार मेरे को लग रहा है कि ये जो रोबोट है ऑप्टिमस प्राइम रोबोट को एकदम कड़ी टक्कर दे सकता है। अभी इन दोनों रोबोट की आमने सामने वाली फाइट कराते हैं गाइस, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम ने अपने रॉकेट्स निकाल लिए और रॉकेट्स फायर करना चालू कर दिए हैं बाहुबली रोबोट के ऊपर। इसको देखो यार थोड़ा सा धक्का लग रहा है, पर मेरे को नहीं लगता गाइस ये नीचे गिरेगा। इसके रॉकेट्स है सारे के सारे रॉकेट्स इसने फायर कर दिए बाहुबली रोबोट के ऊपर। अभी यहाँ पर बाहुबली रोबोट को आ चुका है गुस्सा, इसने अपने हाथ से देखो यार इस तरह से फायर करना चालू कर दिया है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर रॉकेट्स तो फायर कर दिए पर दोनों में से कोई भी नीचे नहीं गिरा। अभी दोनों की आमने सामने वाली फाइट करा के दोनों को भिड़ा देते हैं गाइस। देखो यहाँ पर अपना बाहुबली रोबोट ऑप्टिमस प्राइम रोबोट को पीछे ढकले जा रहा है, उतने में ऑप्टिमस प्राइम रोबोट ने अपनी तलवार निकाल ली है और इसको धक्का मारकर नीचे की तरफ गिरा दिया है। और साथ में अपना ऑप्टिमस प्राइम रोबोट भी नीचे गिर चुका है गाइस। यहाँ पर दोनों के बीच में टाई हो चुका है पूरी तरीके से। ऑप्टिमस प्राइम रोबोट का वेट कैरी टेस्ट करा के देखते हैं। ये मिनी ट्रक मैंने इसके ऊपर रख दिया है, देखते हैं गाइस इतना भारी भरकम ट्रक ये उठाकर लेके जा पाता है या नहीं। अच्छा तो देखो गाइस इसने अपने तलवार से यहाँ पर इसको होल्ड कर लिया है और स्टेप बाय स्टेप करके ये चले जा रहा है। बिल्कुल भी यहाँ पर अपनी ट्रक नीचे नहीं गिर पा रही है। अभी बाहुबली रोबोट को टेस्ट करते हैं। इसके ऊपर मैंने ट्रक रख दिया है, यहाँ पे स्लाइड करा के मैं इसको चलाने ही वाला था, उतने में इसके हाथ से ट्रक फिसल कर नीचे गिर चुका है। एक और बार ट्राई करते हैं गाइस। ओ भाई साहब मेरे को नहीं लगता ये रोबोट उतना ज्यादा पावरफुल है ये ट्रक को कैरी करके लेके जाने के लिए। क्लियरली यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम रोबोट जीत चुका है। अभी कराते हैं इन दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम रोबोट ने डेविल रोबोट को एक सेकंड के अंदर ही धक्का मारकर नीचे गिरा दिया है। ऑप्टिमस प्राइम रोबोट डेविल रोबोट से बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। अभी हम लोग टेस्ट करेंगे तीनों में से कौन से रोबोट के वेपन्स जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। तीनों को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, इनके सामने ग्लासेस लगा दिया। पहले टेस्ट करते हैं ऑप्टिमस प्राइम को। यहाँ पर इसने रॉकेट्स को फायर कर दिया, दो रॉकेट्स को फायर कर दिया था और रॉकेट फायर करेंगे। देखो गाइस बहुत ही आसानी से चार रॉकेट्स के अंदर ही इसने सारे के सारे ग्लासेस को यहाँ पर ढेर करके रख दिया है। अभी रेड डेविल रोबोट को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चार रॉकेट्स इसके अंदर भी लगा दिए हैं, एक रॉकेट इसने फायर कर दिया है, दूसरी रॉकेट भी फायर कर दिया, यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। अभी तीसरी रॉकेट में फायर करने ही वाला था गाइस, दो रॉकेट्स में इसने सारे के सारे ग्लासेस को गिरा के रख दिया। अभी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं बाहुबली रोबोट को, देखते हैं गाइस इसका कैनन कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर ये फायर तो कर रहा है गाइस, रॉकेट्स के अंदर उतनी ज्यादा पावर भी है नहीं, तो क्लियरली यहाँ पर रेड डेविल रोबोट विनर है गाइस। तो माय डियर दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये एकदम तगड़ा दिखने वाला ऑप्टिमस प्राइम रोबोट पसंद आया या फिर बाहुबली रोबोट पसंद आया या फिर रेड डेविल रोबोट पसंद आया, नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है विष्णु, श्रेयश, तौसीफ, विज्ञान, अभय, मोनिश, समीप, कैफ, दिजुतम, शुभोद। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।